हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़े हैं पी ब्लॉक एलिमेंट्स, और पी ब्लॉक एलिमेंट्स में हम लोग पढ़े हैं ग्रुप 15। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ग्रुप 15 में ग्रुप 15 एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए, जिन्हें लिखना आता है वेल एंड गुड, जिन्हें नहीं लिखना आता है आज हम लोग पढ़ेंगे जीरो टू हीरो, इनकी लिखना सीखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रुप 15 एलिमेंट्स के अकरेंस के बारे में पढ़ा था, और ये जाना था कि भैया कितने एलिमेंट्स होते हैं किसमें आपके ग्रुप 15 में। तो कितने एलिमेंट्स होते हैं, 5 एलिमेंट्स होते हैं आपके नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ। ठीक है, तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं हम लोग। देखिए, तो आपके ग्रुप 15 एलिमेंट्स में आपके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। तो बेसिकली आपको मिलते हैं NS2 NP3 टाइप के इलेक्ट्रॉन मिलते हैं, किसमें, आउटर मोस्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल में। बस यहाँ क्या होगा, आपके n की वैल्यू चेंज होती जाएगी, बाकी s में 2 ही इलेक्ट्रॉन रहेंगे और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। तो हम लोग इसकी क्या लिखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी क्या होगी, 1s2 2s2 2p3। देखिए, 7 इलेक्ट्रॉन्स हमने भरने थे, हमने भर दिया। ठीक है, अब देखिए इसको हम लोग एक और तरीके से लिख सकते हैं, वो दूसरा तरीका क्या है, ध्यान से देखिए। देखिए, हम लोग क्या कह सकते हैं, हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 2, राइट, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ 1s2। देखिए, ये 1s2 आपको नज़र आ रहा है, ये क्या है, आपके नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन है। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हीलियम 2s2 2p3। सभी को ये चीज़ समझ में आई, देखिए इसीलिए हम लोग ये चीज़ साथ साथ आपको बताते जाएंगे, इसका शॉर्ट फॉर्म भी और इसका पूरा फॉर्म भी। ओके, बता हमारा नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, नेक्स्ट एलिमेंट है हमारा फॉस्फोरस। ओके, फॉस्फोरस का हमारा एटॉमिक नंबर क्या होता है, 15। ओके, इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो वो कुछ इस तरह की होती है, 1s2 2s2 2p6, राइट, 3s2 3p3। अगर आप काउंट करोगे तो क्या होंगे, 15 इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, फिर अब हम लोग क्या कहेंगे, नियॉन जिसका एटॉमिक नंबर होता है 10, ये भी क्या है, एक नोबल गैस है। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो वो होती है 1s2 2s2 2p6। देखिए, 1s2 2s2 2p6, यहाँ तक आपको क्या मिल रही है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, नियॉन 3s2 3p3। देखिए, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन में आपको ऐसे ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं ना, आउटर मोस्ट शेल में, देखिए NS2 NP3 टाइप के, देखिए NS2 NP3 टाइप के ही आपको क्या मिल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं। ठीक, फिर क्या है हमारा थर्ड एलिमेंट, कौन सा है, थर्ड एलिमेंट है हमारा आर्सेनिक, AS, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है जिसका 33। देखिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, भी यहाँ आ जाता है, फिर आपको मिलती है 4s2 और फिर आपको मिलता है 4p3। यहाँ आपका क्या होता है, देखिए यहाँ आपकी 3d10 भी भर जाती है, फिर आपको मिलता है 4s2 4p3। देखिए, फिर क्या है, आर्गन की बात करते हैं हम लोग, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 18, ये भी क्या है, आपकी एक नोबल गैस है। इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक, आपको नोबल गैस की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल रही है। तो यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ तक हम लोग लिख सकते हैं आपका आर्गन, AR, राइट। फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3d10 4s2 4p3।
सभी को समझ में आया? देखिए ये इनके शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इन्हें भी याद करना उतना ही कम। देखिए ये आपको याद रहे ना रहे, लेकिन ये चीज़ आई कैसे, इसलिए हम लोग आपको ये भी बता दे रहे हैं, ठीक है। फिर हम लोग बात करते हैं आगे, फोर्थ एलिमेंट हमारा कौन सा होता है? फोर्थ एलिमेंट है हमारा एंटीमनी Sb, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 51, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 51। तो हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो होगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, राइट। फिर होगा हमारा 4s2 4p6 4d10, भी यहाँ भर जाएगा। फिर आपका होगा 4s5s2 और 5p3। ये क्या है हमारा, ये है हमारा एंटीमनी की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए अब हम लोग क्या करें, बात करें क्रिप्टॉन की, जो भी जो कि है एक नोबल गैस। क्रिप्टॉन भी हमारी क्या है, एक नोबल गैस है। अगर हम लोग इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6। देखिए यहाँ तक हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4p6 तक क्रिप्टॉन लिख सकते हैं। तो देखिए क्या होगा, क्रिप्टॉन Kr, फिर हो जाएगा हमारा 4d10 5s2 5p3, राइट। सभी को ये चीज़ समझ में आई, ओके। अब आगे बात करते हैं, लास्ट एलिमेंट है हमारा कौन सा? लास्ट एलिमेंट है हमारा बिस्मिथ, जिसका एटॉमिक नंबर क्या है, जिसका एटॉमिक नंबर है 86। इसकी अगर हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो देखिए कैसे लिखी जाएगी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4f15। ध्यान रखिए इसमें 4f14 आपका इसमें क्या होता है, 4f ऑर्बिटल भी इसमें फिल हो जाती है। फिर आपका बचेगा 5s2 5p6 5d10, फिर हो जाएगा आपका 6s2 और लास्ट 6p3। ये क्या है आपका, ये है आपका बिस्मिथ की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखिए फिर क्या है आपका ज़ेनॉन, जो कि क्या होती है, एक नोबल गैस होती है। अगर हम लोग इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 4d10 5s2 5p6। देखिए ये भी आपकी क्या है, एक नोबल गैस है। तो इसको अगर हम लोग लिखना चाहें बिस्मिथ को, तो ये कैसे लिखा जाएगा, ये आपका लिखा जाएगा, देखिए यहाँ साइड में हम लोग लिख लेते हैं बिस्मिथ का, क्योंकि ये जो पेज है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग बार बार यूज़ करेंगे, इसलिए हम लोग इसको हमेशा अपने साथ रखेंगे। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं बिस्मिथ का, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं ज़ेनॉन 4f14 5d10, फिर 6s2 6p3, ओके। तो ये पेज है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें हमने आपको सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी सिखाई है। जिन्हें नहीं लिखनी आती थी तो आज उन्होंने सीख ली, यहाँ शॉर्टकट भी लिखा है, फुल फॉर्म भी लिखा है। तो हम लोगों इसको लेके सारे वीडियोस करेंगे, किसके, ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो करिएगा लाइक। टिल देन बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।